सिक्किम के पर्यटन क्षेत्र को महत्वाकांक्षी परियोजना भले धुंगा रोपवे परियोजना अति शीघ्र संचालन होने के कगार पे। सिक्किम सरकार द्वारा शुरू किए गए एक सबसे बड़ा टूरिज्म के क्षेत्र में माने जाने वाला महत्वाकांक्षी पर्यटन परियोजना भले धुंगा रोपवे परियोजना है। अभी यह निर्माण कार्य अंतिम पड़ाव में है। संभवतः भारत देश का सबसे ज्यादा ऊंचाई में नवनिर्मित भले धुंगा रोपवे परियोजना उद्घाटन कुछ दिनों के बाद होने जा रहा है, आधिकारिक सूत्रों ने बताया। भले धुंगा रोपवे परियोजना 2016 से निर्माण शुरू किया गया था। गौरतलब है कि यह परियोजना के कारण से दक्षिण सिक्किम में स्थित यांगयांग को पर्यटन व्यवसाय के क्षेत्र में नया दिशा मिलेगा, जो बेहद खुशी की बात है। भले धुंगा आध्यात्मिक और पर्यटन दोनों दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जाता है, जो समुद्र तल से 10,300 फुट के ऊंचाई में अवस्थित है। भले धुंगा रोपवे पर्यटकीय स्थल को विश्व पर्यटन मानचित्र में शामिल करके यांगयांग लगायत इसके आसपास गांवों को आर्थिक विकास का नया मार्ग देते हुए सिक्किम सरकार ने 140 करोड़ रुपया से अधिक धनराशि खर्च किया इस रोपवे निर्माण कार्य के लिए, जो राज्य सरकार का एक बेहद ही प्रभावशाली दूरदर्शी सोच माना जाता है। भले धुंगा रोपवे परियोजना नामीगिरामी फ्रांस के पोमा कंपनी निर्माण कर रहा है, जिसका कुल लंबाई 3,310 मीटर और वर्टिकल लंबाई 1,348 मीटर बताया गया है। इसमें 18 कैबिन है। यह केवल कार प्रति सेकेंड 6 मीटर की गति से चलता है, जो कुल दूरी पार लगभग 10 मिनट समय लगता है। यह बात निर्माण कार्य में संलग्न पोमा कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट सुगतो मजुमदार ने वॉइस ऑफ सिक्किम को बताया। हाल ही में रोपवे निर्माण कार्य पूरी होकर ट्रायल भी किया गया। रोपवे संचालन शुरू से पहले लगभग 15 युवाओं को यहां रेस्क्यू तालीम भी प्रदान किया गया, जिसमें सिक्किम लगायत पश्चिम बंगाल के युवाओं ने भाग लिए। प्राप्त जानकारी अनुसार भले धुंगा रोपवे परियोजना समाप्त होते ही स्काईवॉक निर्माण कार्य भी सिक्किम सरकार ने परियोजना भारत सरकार को प्रस्तुति दिए है, जो अभी विचाराधीन अवस्था में है। सिक्किम विश्वविद्यालय कैंपस परिसर नजदीक शुरू होने वाला भले धुंगा रोपवे संचालन के साथ स्थानीय जनसमुदाय को व्यापक फायदा होगा और स्थानीय व्यवसायकर्ता विजय सुब्बा लगायत युवा हेम कुमार गुरुंग ने अपना विश्वास व्यक्त किया।